खेसारी लाल यादव के दोस्त ने खोला खेसारी लाल यादव का सारा राज। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं और भी बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। खेसारी लाल यादव के बचपन के दोस्त जिनका नाम है गजेंद्र शर्मा उर्फ पियक्कड़ भी इनको बोला जाता है, और पियक्कड़ इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पियक्कड़ जैसा बोल भी लेते हैं, और इसी वजह से इनको बोला जाता है गजेंद्र शर्मा पियक्कड़। और गजेंद्र शर्मा पियक्कड़ खेसारी लाल यादव के बचपन के दोस्त हैं, जो कि आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखा होगा पहले का। लेकिन अब खेसारी लाल यादव और गजेंद्र शर्मा में दूरियां हो चुकी है, और हाल ही में गजेंद्र शर्मा पियक्कड़ ने एक इंटरव्यू के दौरान खेसारी लाल यादव को लेकर बहुत सारा पोल खोला है। उन्होंने बोला है कि खेसारी लाल यादव झूठ बोलते हैं, सानिया मिर्जा पे गाना गाकर खेसारी लाल यादव जेल नहीं गए थे, और कपिल शर्मा शो में सानिया मिर्जा खेसारी लाल यादव को पहचान भी नहीं रही थी, तो खेसारी लाल यादव को बताना पड़ा कि मैं आपके ऊपर गाना गाकर स्टार बना। और आप लोग भी यूट्यूब पे सर्च कर देख सकते हैं क्या सत्य है क्या गलत है। और खेसारी लाल यादव के दोस्त गजेंद्र पियक्कड़ ने एक और खुलासा किया है कि खेसारी लाल यादव झूठ बोलते हैं लोगों से कि मैं आर्मी में था। खेसारी लाल यादव 9 तक पढ़े हैं, कैसे आर्मी में भर्ती हो जाएंगे, और अब क्यों नहीं करते हैं खेसारी लाल यादव इस बात का जिक्र मीडिया में। तो दोस्तों, ये सब जांच की विषय है। खेसारी लाल यादव का उस समय लंबाई 170 था, 10 पास थे कि नहीं थे, ये सब जांच का विषय है। एक और खबर चल रहा है खेसारी लाल यादव का, जो गाना आने वाला है धनी हो तो हार धन, ये गाना कॉपी गाना है। पवन सिंह का जो गाना आया था धनी हो सब धन, उसी टाइप का गाना होने वाला है। तो दोस्तों, पहले ही कुछ बोल देना बेवकूफी है, और जब तक मैं गाना नहीं सुन लूंगा तब तक इन दोनों गाने के बारे में कुछ बोलना सही नहीं है। बाकी वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।